बोर्ड को संभाले हुए, और ये हब है और तारीखी मार्केट है हमारे शहर का, हमारे कश्मीर का। यहाँ पे हम नहीं आए थे क्योंकि बहुत सारे हालात आप जानते हैं। हमने भी सोचा कि हमारे जो दुकानदार है कोविड से भी निकले हैं और हड़तालों की भरमार भी रहती थी हमारे कश्मीर में, इसीलिए 1.25 साल हो गया उसके बाद हम आज आए और आप भाई हमारे साथ हैं ताकि हम देखें कि एक तो मार्केट की हालत भी क्या है और वक्फ की हालत कहीं पतली ना हो जाए, कहीं परेशान कुन ना बन जाए, ताकि इनको बताएं जो हमारा एसेट है वो यही है, यही मार्केट हमारा सबसे बड़ा हब है। और किराया जब तक ये भी नहीं देंगे तो वक्फ चलेगा नहीं, और इनको भी एहसास तो हुआ है, बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया है और बहुत सारे लोगों का अभी क्लियर होना बाकी है, और ये आपके सामने ही वक्त भी मांग रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इनका कारोबार ज़्यादा चले, और अगर इनको कोई तंगी भी होगी ये वक्त के साथ आएं और बैठें, सॉर्ट आउट करें। लेकिन किराया ज़्यादा नहीं है, एक एक दुकान का 2,000 किराया है आज की डेट में। लाल चौक में 2,000 किराया कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये वक्त वक्त पे किराया भर देते तो शायद इनको 20,000 भी आज नहीं होते। 2,000 एक महीने में क्लियर करना, जब आप घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों का फीस चलाते हैं, तो अगर आप वक्फ को भी चलाएंगे और ये वक्फ आपके घर को चला रहा है, ये दुकान आपके घर को चला रहा है, तो आप में बरकत भी हो जाएगी और वक्फ डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ेगा। मैम, कई दुकानदारों का ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्स में वक्फ की जो दुकानें हैं वो अलग स्क्वायर फीट दिखा गया है लेकिन एक्चुअल में वो कम है, तो इसका कोई स्क्वायर फीट में 100 रुपये का या 200 रुपये का फर्क होगा उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाखों रुपया माफ करूं। ये है कि वक्फ का अगर लाखों रुपया कहीं पे किराया बाकी है उसमें अगर कोई फर्क होगा तो 1,000 का होगा, 2,000 का, उस फर्क से हम 99,000 बंद नहीं रख सकते हैं। वो आ सकते हैं और ऑन स्पॉट हमारे साथ वो बात कर सकते हैं। हम मान सकते थे कि पहले हालात बहुत ख़राब थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हो गए। हम चाहेंगे इनका कारोबार और बढ़े ताकि ये 2,000 महीना महीना के दे। ये कारोबार और बढ़ने के लिए चूंकि तारीखी मार्केट है, क्या इसकी तजदीद या बाकी उन चीज़ों की जानकारी? हम सरकार से भी बात करेंगे और इंशाल्लाह रहमान जो हम तक होगा। देखिए, इन्होंने आज तक आप बात करने दीजिए जनाब, कस्टमर या पार्किंग ये यहाँ पे 60 सालों से बैठे हुए हैं, ये आज दरक्षा अंद्राबी के टाइम पे नहीं बैठे हैं, इनका कारोबार चलता रहे और चलता रहे। तो वो बाकी रही बात कि किराया तो देना है, वो जो तय हो गया है इंशाल्लाह रहमान आज आप सारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि इस मार्केट में और 4 चांद लगे।